ये है करंजवा या कंजा का पौधा, इसको फीवर नट भी कहते हैं। इसकी पत्तियां मीठी नीम या करी पत्ते के पेड़ के पत्तियों की तरह ही होती हैं, परंतु इसका तना, इसका फल आदि कटीला होता है। ये भारत में नदियों, झीलों आदि के किनारे पर पाया जाता है। इसके बहुत सारे औषधीय उपयोग हैं। इसके फल के अंदर दो बीज होते हैं। फल का ऊपरी आवरण काफ़ी कटीला होता है और इनके बीजों का उपयोग कई सारे औषधीय कार्यों में किया जाता है। झाड़ीनुमा यह पौधा कई सारे पक्षियों और जीवों के लिए पर्यावास का काम भी करता है। इसके साथ ही साथ ये गंजेपन, उल्टी, पेट दर्द, डायबिटीज़ आदि की बड़ी अच्छी दवा मानी जाती है। हालांकि इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इसकी प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम की मात्रा ही ली जानी चाहिए। सावधानियों के रूप में गर्भवती महिलाएं, नवजात बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं, हृदय रोगी, लीवर या किडनी के रोगियों को इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। बुखार आदि को नियंत्रित करने में भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसकी पत्तियाँ, इसका फल, इसका बीज आदि बहुत कड़वा होता है। ये बहुत ही एग्रेसिव पौधा है। ये बेल की तरह दूसरे पेड़ों पर भी चढ़ जाता है और नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, वहाँ पर जीव जंतुओं के पर्यावास के रूप में, वहाँ पर जैव विविधता को संरक्षित करने के रूप में ये बहुत ज़्यादा मददगार है। इस प्रकार से इसके अंदर 1 या 2 बीज पाए जाते हैं जो कि बड़े औषधीय गुणों वाले हैं। हमें इन पौधों को लगाना चाहिए।